चिराग पासवान जी 2 लाख वोट से जीत गए, तो 51 किलो के लड्डू उनके नाम पर बनवाए थे, अभी आएंगे चिराग पासवान जी और इसमें से सब वर्कर के सब नेता के इसमें लड्डू खिलाएंगे। असीम चंद्र राम जी कार्ड उड बटवा दिए थे पहले ही, आपको बताए थे ना, अगला बार यही राम जानकी मंदिर में उनका कार्ड नहीं बांट रहे थे, वो पैसा तसल्ले के लिए कार्ड बांट रहे थे की यहाँ हमारा यहाँ कुछ दे दी हाँ, और फिर एक किता कहीं खरीद ले महुआ में। अभी हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और चिराग पासवान जी यहाँ से हाजीपुर से जीत दर्ज कर चुके हैं, और सभी लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं और रंग गुलाल अबीर से सभी लोग होली खेल रहे हैं। चले सभी लोग से बातचीत करते हैं, और यहाँ देखिए चाचा जी हैं, इनसे भी पहले बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। जय, मैं कमलेश राय लोजपा नेता हाजीपुर मीनापुर बोल रहा हूँ। ये चिराग पासवान जी 2 लाख वोट से जीत गए, 51 किलो के लड्डू उनके नाम पर बनवाए थे, अभी आएंगे चिराग पासवान जी और इसमें से सब वर्कर के सब नेता के इसमें लड्डू खिलाएंगे। असीम चंद्र राम जी कार्ड उड बटवा दिए थे पहले ही, आपको बताए थे ना, अगला बार यही राम जानकी मंदिर में उनका कार्ड नहीं बांट रहे थे, वो पैसा तसल्ले के लिए कार्ड बांट रहे थे की यहाँ हमारा यहाँ कुछ दे दी हाँ, और फिर एक किता कहीं खरीद ले महुआ में। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम सबसे पहले जो है हाजीपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ बधाई देते हैं कि अपने नेता माननीय चिराग पासवान जी को उन्होंने अपना मत दे करके अपार बहुमत से उन्होंने जिताने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम हाजीपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं, साथ साथ उनको जो है बधाई देते हैं। चाचा जी यहाँ से अपने पिताजी को विरासत को बचा पाए हैं और चिराग जी 5 के 5 सीट जीत चुके हैं, क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि एनडीए सरकार में 5 सीट चिराग जी को मिला, जिसमें 5 का 5 जीतने का काम किए, और हम लोग यही एनडीए सरकार से कहेंगे कि चिराग जी को बढ़िया से बढ़िया मंत्रालय दिया जाए, जो रेल मंत्रालय। तो चिराग जी जीत चुके, सबसे पहले आप लोग का क्या ख्वाहिश रहेगा जो कि काम होना चाहिए हाजीपुर में? हम लोग तो चाहते हैं कि सार्वजनिक काम हो, विकास का सार्वजनिक काम विकास का होना चाहिए हाजीपुर में। क्या नाम है सर आप अपना? मेरा नाम है जदुनी पासवान जी, गौर दयालपुर घर है जी। हम कहना चाहते हैं चिराग जी के, इससे पहले हम लोग बधाई दे दिए से चिराग जी, आपको हाजीपुर के जनता आपको गोद ले लिया, तो आज चिराग जी के कहना चाहते हैं से जितने गरीब दुखिया एकत्रित होके इनको चलते रौदा में, महान रौदा था रौदा में खड़ा होकर जो वोट दिया है, इसी तरह से मेरे राम विलास पासवान जी के जैसे हमारा स्वागत करते थे वर्कर सके, जैसे गरीब दुखिया में जाते थे वैसी कहते हैं चिराग जी के कहना चाहते हैं से चिराग जी मीडिया के द्वारा ये आप जाइए, ये फिर जे अगला जे आने वाला भविष्य होगा इससे बढ़ चढ़ के लोगों वोट देने के काम आपको करेंगे। हरेक जाति हरेक हाजीपुर के मेरे जनता सारा राम विलास पासवान जी के किया हुआ काम पर एमरी चिराग जी के गोद ले लिया गया है। अगला बार चिराग जी यहो से बढ़ चढ़ के बाबूजी से ज्यादा काम करके दिखाए, तो यहो से बढ़ चढ़ के ये एकदम निठा हाजीपुर के ये फिर बेटे के पोता रह जाएंगे। कमलेश चाचा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जो विपक्षी था वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अच्छा देखिए जी, अभद्र पार्टी है, अभद्र बोलना ही है, जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू जी और कथी नाम है तेजस्वी जी, जब अभद्र बोलते हैं तो उनका वर्कर और उनका जो टिकट दे दिए थे उतार बोलता है अभद्र। अच्छा अभद्र बोलने से मैं विश्वास देता हूँ आपको, चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूँ, कभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लालू यादव थोड़ा सा इधर उधर कह के उप मुख्यमंत्री तक बना दिए, अब कहियो उनको नहीं बनना है मुख्यमंत्री। अच्छा, अभी चल रहा है नीतीश चाचा जी फिर पलटी मारेंगे क्या? ऐसा कोई बात रहे उन्होंने कहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बात कुछ और है, हम बता देंगे आपको। और चाचा जी है क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? आज चिराग जी जीत चुके हैं, जो अधूरा काम राम विलास जी हमारे संस्थापक हमारे नेता को जो रह गया है
वो पूरा चिराग जी से आशा है जो रोड सड़क पानी बिजली को जो पूरा करना है वही पूरा करे चिराग जी। और आज जो 2 लाख से जीते हैं अगला साल मार्जिन 5 लाख पर रहे, यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ चिराग जी से कि जो काम छूट गया है वो पूरा हो जाए। क्या कहना चाहते हैं भैया? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हाजीपुर के महान जनता को कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने चिराग पासवान के ऊपर विश्वास किया और अपने मत का प्रयोग किया। और माननीय चिराग पासवान जी 2 लाख वोट से अधिक से जीत रहे हैं और जीत गए हैं ठीक है। और स्वर्गीय राम विलास पासवान का जो अधूरा सपना था, जो कार्य बता हुआ था, वही कार्य को ये पूरा करेंगे। हम लोग को आशा है, पूर्ण विश्वास है जो वो स्वर्गीय राम विलास की तरह ही काम करेंगे।